हूँ जी अपनी करिए फिर तो नहीं कोई प्रॉब्लम होगी क्या होगी हेलो हेलो नमस्कार जी तरसीम सर सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल सर सत श्रीकाल और सर वेलकम जी स्क्रीन शेयर करो प्लीज अपने जरा जी सर अपने हाँ जी सर हो रही कि नहीं जी सर ठीक है जी सर हाँ जी सर आ रही है जी आवाज हो रही है हेलो आप एक आधा मिनट वेट कर लीजिए सर है ना प्लीज जी सर हाँ जी सर हो रही है स्क्रीन शेयर हाँ जी हो रही है जी हो रही है हाँ जी सर स्टार्ट करिए जी हेलो वेट कर लो सर एक कदम मिनट वेट कर लो प्लीज शेयर हो रही है समय ईश्वर कर ठीक करानी है टाइम लगना अज कल करानी है हाँ जी सर कर लो शुरू प्लीज हेलो हेलो करो करो शुरू प्लीज कर लो हाँ जी मेरे वालों सारे स्टाफ साथी जो रहे ने मीटिंग विच भाग ले रहे ने सारिआं नूं मेरे वालों सत श्री अकाल थोड़ा जिहा उच्ची बोलो थोड़ा जिहा
मान जो थोड़ा मान जो 71 तकनीकी शिक्षा पंजाब डायरेक्टर साहब ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ COVID-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ COVID-19 ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਚ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ITI ਅਤੇ ITI ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਨੋਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਫੀ ਕੋਰਸ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ਤਰਸੇਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਹੈਲੋ
हेलो हेलो सरचेत सर, थोड़ी आवाज नहीं आ रही जी। हेलो। हाँ जी सर, आवाज थोड़ी बंद हो गई सी विचों। हाँ जी, वो सर मैं इन्हों के साथ बैठा सीगा अपने तरसेम सिंह जी, तो थोड़ा जहा मैं हेल्प कर जी रहा जी इन्हों की। मैं आई टी जी तो कंटिन्यू करो ईश्वर जी। दयाल जी, इंस्पेक्टर मोटर मैकेनिक। हाँ जी हाँ सर, तो कंटिन्यू करो। वो इन्हों ने थोड़ी जानकारी दी पहला। हाँ जी सर, तो वो ट्रेड बारे जानकारी बारे दसिया से, कुछ दाखले बारे जी इन्होंने अज, जी जी तो ये बड़ा ही शुभ मौका है कि उधरों इन्हों का लेक्चर आ गया दाखले अज का, दाखले संबंधी, और उपरों साढ़े दाखले भी खुले हुए ने। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही। इस टाइम ते बच्चों नू जो जानकारी देनी है वो बहुत ही सुभागा है, सुभागा बिल्कुल बिल्कुल टाइम है। हाँ जी, तो ये वास्ते बिल्कुल सर, जो बिल्कुल अपने महकमे स्टार्टिंग कर लो वालों प्लीज। कोई नहीं, हदायतें जारी की है, ते भाई ट्रेड ट्रेड कोई भी ट्रेड आई टी आई दी वो कोर्स, कोई 1 साल का कोर्स है या कोई 2 साल का कोर्स ने, ते उन्होंने बच्चा जो जी चाहे अपनी मैट के मुताबिक एडमिशन ले सकता है। और उसके वास्ते सानू घट्टो घट कई ट्रेडों वास्ते 8वीं पास की जरूरत है, और कई ट्रेड वास्ते 10वीं पास की। उस तो बाद कल दे फॉर्म जो ने अपने, तो आपको पता है भी रजिस्ट्रेशन लागू हुआ है, तो मैं ज्यादा उस ना जाता होया थोड़ा जहा बच्चों यही दसागा भी सब तो पहला आपदे ऑनलाइन कराओ, जो भी मौजूदा थोड़े को सर्टिफिकेट है मैट्रिक का, प्लस टू का, या एससी रेजिडेंस वगैरह डाकूमेंट की जरूरत है वो ना ला के अपने, ते तुसी रजिस्ट्रेशन कराओ। उस तो बाद साड़ी संस्था च आके वेरिफिकेशन कराओ। तो ये पहला स्टेप बच्चे नूं ये दसना बनता सीगा भी उस वास्ते सर्टिफिकेट रेजिडेंस का वो सब तो जरूरी है। और जो बच्चे साढ़े हरियाणा के या अदर स्टेट के है उन्होंने वक्रे कोटे एडमिशन मिलनी है। ये तो असं थोड़ा जहा एडमिशन बारे बच्चों को दसन वास्ते। तो उस तो बाद मैं अगला स्टेप सी जिहड़ा बई, ये जो साढ़े सेंटर वालों अदारा डीजीटी वालों जो सारिया संस्थावां दा चल चल उन्हें प्रबंध हेठ चल रहा है आल इंडिया लैवल से, उन्होंने आप हरेक सूबे च उन्होंने वालों संस्थावां चलाई जाती ने, जिन्हां विचों साढ़े पंजाब दे विच लगभग 100 ITI सरकारी ने, ते बाकी 100 तो उपर ही शायद गैर सरकारी होणगियां। तो दाखला प्रोसैस है जिहड़ा सारिया ट्रेडां दे विच चालू है। तो साड़ी यही गुंजाइश है कि असी हर इंस्ट्रक्टर ने पूरे अपने जोड़ छोड़ के नाल पिंडा च अनाउंसमेंट भी कराई है, दाखले वास्ते बच्चों को पूरा मोटिवेट किया है और जानकारी दी है, और असी महकमे को विश्वास दवाने कि असी आपके जतना सदका जिहड़ा दाखला है पूरा कर पावांगे। और इस साल जो सरकार वालों स्कीम चलाई गई है ड्यूल सिस्टम वाली, वो भी बहुत वधिया स्कीम है। वैसे देखो एक तो वो जिहड़े बच्चे पहला दाखले तो वांझे रह जाते सी, आपां एक यूनिट चलाउंदे सी उत्थे आपां नूं डबल यूनिट चलाउणा पिया, तां बच्चे नूं दाखला वध तों वध मिलेगा। ठीक है जी। और उहनां उह बच्चे शायद जिहड़े जिहड़े प्राइवेट संस्था जाते सी कि ज्यादा पैसा खर्च करन, ते उहनां नूं वी इतकी दाखले चांस वध ने सरकारी IT दाखला लैण दे। ते उहदे नाल की सी बई, जदों इक बच्चा 1 साल जो 2 साल ट्रेड है तो 1 साल कोर्स करेगा किसी भी उद्योग जाके, तो उत्थे उहदा प्रैक्टिकली तौर पर हाथ ज्यादा खुलेगा, और 1 साल उसने संस्था च आके साढ़े जो दूसरे विषय ने थ्यूरी है, इंजन ड्राइंग है, वक्र कैलकुलेशन है, वो जानकारी दी जाएगी बच्चों को। तो यह सानू जरूर बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स को दसना पड़ेगा कि ड्यूल सिस्टम बारे भी कोई घबराने की लोड़ नहीं हैगी। कल नू बच्चे कितने सोचण भी सानू तो अजी कितने बाहर भेजता फैक्ट्रिया के, ऐसी गल भी है, तो उन्होंने सर्टिफिकेट सेम मिलना है जो साढ़े सारे पहला बच्चों को मिलता आ रहा है, जो भी NTC मिलना है। तो ये कुछ ट्रेड्स NCVT है, जो DGT करती है वह तो लगभग सारे NCVT है, और कुछ स्टेट अपने लैवल से बाद दे दाखले तो नैक्सट आ जाता साडा SCVT का दाखला, वो भी बच्चे जोड़े ने
अपलाई करते हैं और दाखला ले लेंगे तो ये उस तो बाद जो बच्चा साढ़े को दाखल हो गया उन्हें ट्रेनिंग की है एक साल की या दो साल की तो उस तो बाद फिर की है साड़ी सरकार ने एक स्किल्ड वर्कर पैदा करने वास्ते अपन पता है आई टी पास करके बच्चा ठीक है स्किल्ड का बनता है पर वो पूरा निपुण नहीं होंदा कि वह जरा आपके किते प्रति पूरा माहर हो कुछ कमी रह जाती है सो उस कमी को पूरा करने वास्ते सरकार ने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 की स्थापना की जिदे बच्चा आई टी करने तो बाद किसी भी उद्योग के जाके आपका पूरा हुनरमंद बन सकता है और हर काम प्रति निपुण हो सकता है तो ये आई टी बच्चे जोड़े कोर्स चल रहे हैं उस तो बाद हूँ जरा आ गया अगला बी अपना ट्रेड की इंट्रोडक्शन जिस तरह पहले मैं दस घट है वक् वक् ट्रेडा चल रही आई टी आई तो जिन्होंने ट्रैक्टर मकैनिक ट्रेड है जी वह भी एक बहुत वधिया ट्रेड है तो हूँ ये संबंध में थानू साढ़े तरसेम सिंह जी जो ट्रैक्टर मैन इंस्ट्रक्टर ने वह कहे बच्चों कुछ थोड़ा जहा तबीयत इन्हें खराब हो गई सी हूँ तो सही ने पानी पुनी पै है जी ये तुम दस गई जानकारी ट्रैक्टर मकैनिक बारे जी। हाँ जी धन्यवाद जी हूँ अपना अजे है ट्रैक्टर मकैनिक बारे ट्रेड संबंधी जो जानकारी है ट्रैक्टर मकैनिक जिन्हू की आप एक खेतों का राजा कहा जाता है पुराना जमाना जो बैलगड्डिया ते होर साधन सी उन्हां दे नाल आपां बर्दां वगैरह नाल जुताई करदे सी ते मतलब साडे एग्रीकल्चर जो है इन्नी डिवेलपमेंट नहीं सी इहदे विच उस तो बाद सानूं इस मशीनरी की जरूरत पई ते सरकार ने इस वल ध्यान दिता इस तो बाद साडे ट्रैक्टर लगभग 19वीं सदी दे विच प्रचलन इन्हां दा शुरू होया ते असी अपना ट्रैक्टर फॉरन चो यह पहला मंगाउंदे सी ते इस तो बाद साडे देश विच इंडस्ट्री आई ते ट्रैक्टर अपने देश विच बन लगे जिस नाल छोटे किसानां तक ये पहुंचिया ते मैनू थोड़ा जिहा उस चीज ते एक बार होया सी कि ट्रैक्टर मकैनिक ट्रेड है जो कुछ दी ये गल सी कि ये पुरानी हो चुकी है थोड़ी जी ते इस ट्रेड नू थोड़ा बंद भी करन दा उपराला कीता गया सी पर इहनू असी कोई पुरानी ट्रेड जां कुछ कह के नहीं छड सकदे इह साडी जरूरत बन गई पहलां खेतीबाड़ी सी हुण साडे ढोआ ढवाई च बाहर भी इस तो बहुत काम लिया जाता है सो ये एक सारिया ट्रेडा का राजा है मान लो हुण किते आई टी आई विच भी ट्रैक्टर मकैनिक ट्रेड नहीं है उत्थे बड़ा मुश्किल हो जाता है कि साढ़े बहुत सारा घा भूत संस्था दे विच हो जाता है घा संस्था नूं बड़ी कठिनाई आउंदी है पर जिस संस्था को साधन हैगा ते बड़े वधिया तरीके नाल अपना सफाई हो जाती है ते ग्राउंड ते होर असी क्या कर ले तो साढ़े बड़ी खेतीबाड़ी च तरक्की कीती है ते इस ट्रेड दे नाल रुजगार भी बहुत ज्यादा मिलता है बच्चे ट्रेनीज होंदे ने जो डियर ट्रेनी ओदे विच बच्चे अपना एक मकैनिक तौर ते टीचिंग लाइन विच भी आ सकते ने ते एक मकैनिक भी बन सकते ने ते अपने खेतीबाड़ी विच भी ओ वधिया रोल अदा कर सकते ने ते इस ट्रेड नू अपना के सो इस दे जो लाभ सी ट्रेड दे जिमें कि
आम तौर पर आप किसान समय की बचत हो जाती है जिस नाल होर कामों का निपटारा बड़ा वधिया सौखे तरीके नाल हो जाता है। मनुखा की इहदे विच लेबर की घाट पूरी हो जाती है, बहुत जल्दी आप काम खेतों का जो है निपटा लें। तो इस नाल साडी एग्रीकल्चर च जिवें फसलवाड़ी हो गई इस भी वाधा हो जाता है। सो इसी थोड़ा जा इत्थे हो जाता है भी कई बच्चे इत्थे उलझ जाते हैं, कईयां नूं हुंदा है कि चलो इलैक्ट्रीशियन दे पिछे भज लैंदे आ जां काफी ज्यादा उहनां नूं दूसरियां ट्रेडां दा हुंदा है कि ट्रैक्टर मकैनिक नूं मैं समझदा भी थोड़ा जा ओह लोअर जी समझदे ने। ते मतलब अजिहा नहीं होना चाहीदा कि ट्रैक्टर मकैनिक दे विच मन लो रुजगार दे आधार ते मन लो एक इंस्पैक्टर है, एक इलैक्ट्रीशियन इंस्पैक्टर है, एक ट्रैक्टर मकैनिक है। देखो है दोनों इंस्पैक्टर ने, फिर देखो टीचिंग दे मामले च आप इस नूं किवें घट कह दांगे। ते सेम ही इंस्पैक्टर बनते ने, सेम ही CTI होंदी है इहदी, उसे डेजिग्नेशन से सारे मतलब आ जाते हैं इस विच। ते दूजा ट्रैक्टर दा आप थोड़ा आप शॉप खोल के उस पे भी आप बहुत लाभ कमा सकते हैं। ते तीसरा ये विच हो जाता है भी जिवें ये एक साल की ट्रेड है, इस तो बाद सानू अगे एजुकेशन च भी हायर एजुकेशन च आप अगे जा सकते हैं, जिवें डिप्लोमा कर सकते हैं सैकेंड ईयर च आप डिप्लोमा च एडमिशन ले सकते हैं। तो आप कोई भी मतलब जरूरी नहीं कि मकैनिकल ही ट्रेड लेनी होंगी है, अगे किसी होर ट्रेड च भी आप मतलब जिवें इलैक्ट्रीशियन हो गया, इलैक्ट्रीकल का डिप्लोमा, कंप्यूटर इंजीनियर तो वह भी कर सकते हैं, सीधी एंट्री है सैकेंड ईयर च। तो ये एक साल की बचत भी हो जाती है। सो हुण साडा इस तो दाखले विच हुण बच्चे आ जांदे आ कई ਸਰਸੀਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਗਈ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। हेलो तरसेम साहब तुहाडी आवाज नहीं आ रही प्लीज। हेलो 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 सर आवाज आ रही है? हेलो सर आ रही है आवाज? हेलो उधर क्यों नहीं आ रही सर आवाज आ नहीं रही? हेलो तरसेम सर तुहाडी आवाज नहीं आ रही प्लीज थोड़ा उच्ची बोलो, माइक नु अपने मुंह दे नेड़े लाओ प्लीज। हेलो हाँ जी आ रही है आवाज सर? हेलो जी हेलो नहीं आ रही है? हेलो
हेलो सर, बाकी आवाज आ रही है? हेलो सर, आ नहीं रही आवाज? हेलो, वो तो बोल नहीं रहे, दस नहीं रहे, आवाज आती है जन सर? आवाज आ रही है? आवाज ही नहीं आ रही ना, वो सर कह रहे ने नहीं आ रही। हेलो नहीं, क्यों रुकी है आवाज? हेलो, हाँ वीर, आवाज बहुत घट आती, हुण बोलो प्लीज। हाँ जी सर, हाँ जी, हम बोलो जी। अगे भी, हाँ जी हाँ, पर ये अगे है अपने खेतीबाड़ी उपकरण ने जो जो आप इस ट्रैक्टर नाल आप जोड़ के खेतीबाड़ी करते हैं, उन्होंने मेन हैं जिमें कल्टीवेटर हो गया, हैरो हो गई, एम बी प्लाओ हो गया, तो अपना प्लांटर हो गए कुछ। हुण पहला आपां डिस्कस करदे आं हैरो ते, जिवें एक इह ढू के खिचण वाली इक्यूपमेंट उपकरण है, इहनूं असीं ट्रैक्टर दे पिछे ला के ते आपां अपने खेत नूं तैयार कर सकदे आं। इस नाल चंगी तरां बूस वगैरा सब अपना साफ हो जाता है। सैकेंड है कल्टीवेटर, कल्टीवेटर है जो ये भी सैकेंडरी टिलेज है, इसका भी इस्तेमाल असी खेत च खेत नू तैयार करन लई, फसल नू बीजन योग लई बनाउन लई ते इस्तेमाल करते हाँ। यह जो है ये ट्रैक्टर दे थ्री हिचिंग सिस्टम दिता हुंदा है, पिछे थ्री हिचिंग सिस्टम, दो लोअर लिंक एक टॉप लिंक, उस नाल जुड़ के ट्रैक्टर दे नाल जोड़ जांदा है। मिट्टी नू मिलाउण दे लई, मिट्टी दी नमी नू ठीक रखण दे लई, हवा वगैरा बाण नू लग जांदी है, इस कीता जांदा है। इस दे जो मुख भाग हुंदे हन जिवें फ्रेम हो गया, टाइन हो गई, फाले हो गए, स्प्रिंग हीचिंग सिस्टम होंदा है, ते नट बोल्ट आदि होंदे हैं। दूसरा है सेकंड वही लेवलर, लेवलर हाई कार्बन स्टील का बनया होंदा है, इस नूं भी ट्रैक्टर ब्लेड भी कहिंदे हन, जिवें कि नाम तो ही पता है आपां नूं, इह मतलब जमीन नूं बराबर करन लई काम आउंदा है, जिस नूं आपां आम कराहा भी कह दिंदे हां। सो अगे सी अपने कुछ मैं प्लांटर दिते हुए आ, प्लांटरां दे विच जिवें कि पोटैटो प्लांटर आ गया,
ਪਲੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲੈਂਟਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀ ਨੂੰ ਬੀਜਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕਾ ਪਲੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਪਾਹ ਪਲੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਪਲੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਟਾਟੋ ਪਲੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੈਂਟਰ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਹੈ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜੀ ਮਕੈਨਿਕ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਚੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਆਪਣਾ ITI ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਰਾਫਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ CTI ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੇਲਜ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਨਿਰੀਖਕ, ਫੋਰਮੈਨ, ਅੰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 20% ਲੋਕਾਂ ਲਵੇ ਇਹ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਲੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ITI 'ਚ ਲਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਗੈਰਾ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੇਅਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜੋ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।
ठीक है सर, अगर किसी की क्वेरी है तो पूछ लो प्लीज। अगर किसी की क्वेरी है तो देख लो सर। वधिया ही तरसेम सर, वो तो वधिया सही। ओके सर, पहली बार सी। हाँ नहीं, वधिया सी, वधिया सी, पहली बार बहुत वधिया सी। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਰਸੇਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। Thank you sir, thank you।